हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है और दिन की शुरुआत में अभी सुबह के लगभग 8 बज गए। आज ये संडे और संडे को ना सुबह आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठी, क्योंकि पता नहीं आज सर में हल्की हल्की सी दर्द हो रही थी, इसलिए मैं उठ नहीं पाई सुबह जल्दी। और बस अभी लगभग 8 बज गए हैं और अभी हमने सोचा कि आज संडे का फ़ायदा उठाते, जितना भी गंद पड़ा है ना बाहर उसको सारा साफ़ करते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको गली गली में ना बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी है, उसको काफ़ी टाइम से मैं सोची थी कि साफ़ करते हैं, क्योंकि अब गर्मियों में सांप वगैरह का डर रहता है, तो ये सारा साफ़ करेंगे। ये जनाब भी है हमारे साथ, गुड मॉर्निंग भी बोल दिया, रोज बताना पड़ रहा, गूंगे की तरह इशारे करते रहते, गूंगे की तरह इशारे करते रहते हैं आप तो। रोव का हमारा, मैंने बोला कि गुड मॉर्निंग भी बोलो, रोज बताना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी है, और ये यहाँ पे साइकिलों का ढेर, और ये मेरे प्यारे प्यारे फूल देखो, ये तो अच्छे लग रहे हैं भाई, ये तो अच्छे लग रहे हैं। मैन है ये गली, यहाँ पे देखो इस गली में कितनी सारी गंदगी, सामान रखा था हमने वो सारा, कोई कभी कुछ ढूंढते हैं कभी कुछ ढूंढते हैं, फिर ऐसे हो जाता है सारा। तो मैं सोची हूँ कि इस गली को ना खाली ही कर देंगे हम, और यहाँ का सामान रख देंगे हम एक रूम में जो कि हमारा हमने खाली करवाया है। फ्रेंड्स ये होगी पूरी गली की सफाई। यहाँ देखो यहाँ पे ना हमने सामान रखा था, पर उसमें धूल मिट्टी जाके सारा सामान हो रहा था खराब, इसलिए हमने ना वो अंदर ले गया। मैं दिखाऊंगी, एक रूम हमने खाली करवाया और उसको हमने स्टोर बना दिया ताकि हम वहाँ सामान रख सकें। पर इसमें है बॉटल्स, जो भी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स है, इसमें इतना जूस पीते हैं गर्मियों में, पिछले साल की हैं और कुछ इस साल की भी हैं। तो ये मैंने यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ से ना कई बार कुत्ते वगैरह ना, जो बीमार कुत्ते होते हैं सड़े गले से, कुत्ते गली में घुस जाते हैं, यहाँ ठंडा होता है गली में पीछे, इसलिए यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया है। और बस अब हम यहाँ पे कोई सामान नहीं रखेंगे, खाली रखेंगे इस गली को, ताकि मैं यहाँ पे ना रोज़ साफ़ सफाई कर सकूँ। बस एक यही है, इसमें भी सामान ही है, इसके अंदर पिंजरे के अंदर पिंजरा था वैसे हमने बनाया है, ये तोते थे हमारे पास उनके लिए, तो इसमें रखा है सामान। और ये जो प्लांट है ना, इसको हम बड़े गमले में लगाएंगे, इसका गमला काफ़ी छोटा है इसके लिए पड़ रहा, तो इसको बड़े गमले में लगाएंगे, इसलिए कर पानी डाल रहे हैं इसमें। ये वाले पत्ती भी निकाल ही दे, इसको निकाल देंगे क्या? हाँ, सूखी रही है ना, बड़ी मुश्किल से निकलती है, जब पौधा निकालेंगे ना तब निकल जाएगी। अभी गमले ये हो रहा है काम, इसमें पानी डालने के लिए छेद कर करके हमें, वैसे मैंने इसमें काफ़ी दिनों से बहुत पानी डाला है, नरम ही है ये, ताकि ये ना अच्छे से गीला गीला हो जाए और हम इससे पानी निकाल पाए, इसको निकाल पाए आसानी से। आज लगाएंगे इसको दूसरे गमले में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं हमने सारा गंद यहीं पेड़ के पास ला दिया, हमने सोचा कि नीचे फेंकेंगे तो भी इधर उधर फैलेगा, और हमने यहाँ पेड़ के पास लाया और सारा हम जला देते हैं यहाँ पे, क्योंकि चूहों ने वो काट लिया था पेटियाँ वगैरह सारी। तो फ्रेंड्स एक जगह की साफ़ सफाई करके और कूड़ा वगैरह जला के हम आ गए हैं अब किचन में, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई हूँ। पहले ये सारा ना मैं पानी से वैसे ही साफ़ करूँगी, हाथ पैर धोऊँगी, मुँह धोऊँगी, और बस फिर चपातियाँ बनानी है मुझे, सब्जी बनी हुई है तो चपातियाँ बनानी है। चपातियाँ बना के ब्रेकफास्ट करके हम आज फिर से गौर करेंगे सफाई, जो कि थोड़ी सी रहती है हमारी सफाई अभी यहीं सामने वाले आंगन की, जहाँ पर मेरे गमले वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी है। तो गंदगी तो क्या, मतलब कभी ये सामान रख दिया, वो रख दिया, ये भी काम आ जाएगा, वो भी काम आ जाएगा, ऐसे रखा हुआ है कुछ कुछ सामान, तो उसको भी वहाँ से हटाएंगे और बिल्कुल क्लियर कर देंगे, साफ़ कर देंगे जगह को। इसी बीच अनुराग भी आ गया है सो क्यूट के, और बैठ गया है पढ़ाई करने। गुड मॉर्निंग अनुराग, कर रहा है अपने मैथ्स के एग्ज़ाम की तैयारी, कल है अनुराग का मैथ्स का एग्ज़ाम, तो उसी की तैयारी कर रहा है। मैं फटाफट से अपने हाथ पैर मुंह धो लेती हूँ और किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। आटा मैंने गूंथ लिया था, और यहाँ पे देखो दोस्तों मेरे काला काला सा निशान है, यहाँ पर मुझे एक पिम्पल सा हो गया था उसकी वजह से ये निशान अब जा ही नहीं रहा है, पता नहीं। अब चलते हैं किचन में ब्रेकफास्ट, किचन में नहीं पहले हाथ पैर धो लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे और फिर से काम करेंगे, इसलिए अभी क्या करें, फिर ऐसे ही बनाना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे कपड़े चेंज हुए हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चली गई थी सोसाइटी वहाँ से अपना राशन वगैरह लाने के लिए, दाल चावल चीनी वगैरह लाने के लिए। तो उसके बाद रास्ते में ना मुझे ये फूल वाले भैया मिल गए थे, तो मैंने इनको बुला लिया। मैंने सोचा कि मैं इनसे ना गमले का जो फूल है वो चेंज करवाऊँगी, गमले का पौधा। तो इनके पास काफ़ी सारे पौधे भी थे और थोड़े बहुत पौधे मैंने इनसे लिए भी, और पर इनके पास उतनी ज़्यादा वेराइटी नहीं थी, लेकिन फिर भी 3-4 पौधे मैंने ले लिए। और मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से पौधे लिए हैं। और फिर यहाँ पे देखो भैया हमारी मदद कर रहे हैं प्लांट को चेंज करने की गमले में, क्योंकि इसको ना इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल गई थी और इतनी मुश्किल से निकाला ना, और अगर भैया नहीं होते ना आज तो हमारे से तो शायद निकलता भी नहीं, क्योंकि भैया के पास ना इसको निकालने के लिए खुरपी सी होती है ना वो थी, जिसकी वजह से हम इस गमले को खोद पाए। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है इसको खोदना, क्योंकि जो हमारे पास चिकड़ी है ना उसकी वजह से इसको खोद ही नहीं पाते हम। तो भैया ने ऐसे खुरपी की मदद से अच्छे से खोद खोद के निकाला, और इनको ना आदत भी होती है, क्योंकि ये लोग बहुत सारे गमले वगैरह तैयार करते हैं तो इनको आदत होती है कि कैसे क्या करना है। तो इस तरह से भैया ने हमारा काफ़ी ज़्यादा मदद की और उन्होंने प्लांट निकालने में, हमने बहुत ही मुश्किल से निकला, मतलब काफ़ी हम गमला पकड़ रहे थे और भैया प्लांट खींच रहे थे, फिर भी हम दो पकड़ रहे थे, फिर भी गमला ना ऊपर आ रहा था और इतनी सारी जड़ें थी उसमें, क्या बताएं। बड़ी मुश्किल से जाके हमने निकाला और फिर बड़े पॉट में लगाया गमले को, तब जाके अब खराब तो नहीं हो गई जड़ें? नहीं नहीं उमड़ गया है, अपने बंदरों का बन भी कुछ तो ये पौधे लिए हैं, और इसमें था जो पौधा वो हमने उसमें लगा दिया है जैसे कि आपने देखा है, और अब इसमें लगा रही हूँ मैं ये वाला पौधा, तो इसको लगाते हैं इसमें। और भी 3-4 पौधे लिए हैं मैंने, मेरे पास गमले हैं ऑलरेडी, एक गमला ये है यहाँ खाली पड़ा है, कुछ इसमें लगाएंगे कुछ इसमें लगाएंगे, और अभी तैयार करते हैं अपना पूरा, आज मेकओवर करेंगे हम अपनी बालकनी का, प्लांट्स वाली बालकनी का, फिर आपको मिलेंगे उसके बाद। तो फ्रेंड्स अभी देखो शाम हो गई है, 4:30 हो गए और अभी तक हम लगे हुए हैं अपने बालकनी वाले गार्डन को, छोटे से गार्डन को सुधारने में ही लगे हुए हैं अभी भी। और ये देखो ये भी पौधा मैंने इसमें लगा दिया है, वो सिरेमिक का जो गमला था वो टूट गया था, अभी ये लगा रहे हैं, अभी एक और गमला चेंज करना है, अभी ये लगा रहे हैं, अभी ये चेंज करना है। और मैं दिखाती हूँ आपको न्यू एडिशन भी हुए हैं हमारे प्लांट्स, एक ये लिया है मैंने मनी प्लांट, एक इसमें लगाया है एक इसमें लगाया है, और बाकी ये तो पहले के ही हैं, बस इनको थोड़ा साफ़ सूफ किया यहाँ पे, पूरे में सफाई की, और ये देखो पूरे गमलों को सजा दिया ऐसे। और एक ये नया पौधा दिया है, एक ये है, एक ये है, एक ये, इसमें उसने उन्होंने दिखाया था मुझे कि पेपर फ्लावर है ये, इसे सुंदर से फ्लावर लगेंगे, और इसमें भी सुंदर से फ्लावर लगेंगे ये, और ये तो पहले की है, और ये सारे। और ये देखो वो प्लांट जो कि छोटे गमले में था और हमने बड़े में लगा दिया, इसमें था ये, यहाँ से निकाल के इसमें लगा दिया, अब लग रहा है ना अच्छा। और यहाँ पे भी सारी सफाई भी करी हमने, और ये गमले, और एक लिया है हमने ये नींबू का पौधा, ये लगाया हमने इस बड़ी सी बाल्टी में, देखो प्लांट्स कुछ यहाँ अभी गमलों में, पूरे गमलों की खुदाई फिर भी नहीं हुई है, आई खुदाई तो मैं फिर कर लूँगी। तो ये फ्रेंड्स अभी हमारी सफाई चली रही है, मतलब प्लांट्स लगाने का काम पूरा हो गया और साफ़ सफाई रहती है, ये वाला एरिया रहता है, इधर तो हमने कर लिया सारा साफ, अभी हमने प्लांट्स को पानी देना था, लेकिन बारिश शुरू हो गई है तो अच्छा लग रहा है कि भगवान भी खुश हो गए हमारे प्लांट्स, उन्होंने सोचा कि तुम थक गए हैं बेचारे अब कहाँ पानी देते रहोगे, तो अपने आप ही मैं पानी दे देता हूँ, है ना, इसलिए पानी आ गया तुम्हारी मदद करने। तो फाइनली फ्रेंड्स हो गई हमारी पूरी सफाई, ये देखो ये हो गया है पूरे में सफाई, और ये है कुछ इस तरह हुआ हमारा प्लांट्स, देखो अच्छे लग रहे हैं ना पीछे पूरी, ये देखो ऐसी सफाई की हमने, और जो एक मेरा गमला था ना उसमें मैंने यहाँ लगा दिया, अब देखते हैं यहाँ पे इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। ये दोनों प्लांट्स मैं एक साथ लेके आई थी, वो इतना बड़ा हो गया लेकिन ये इतना छोटा सा ही रह गया,
अब हो जाएगा ये भी बड़ा। कैसा रहा भाई आज का दिन? बढ़िया बढ़िया रहा, मजा आया साफ सफाई करके। दिन का नहीं पता चला कैसे खत्म हो गया। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमने प्लांट्स लगा दिए, देखो जो नीचे हमने नीचे से उखाड़ के लिए लाए थे मैंने ये सारे पौधे, तो मैंने यहाँ पे लगा दिए। देखते हैं टिकते हैं या नहीं, इनको ना बंदर बहुत तोड़ते हैं और खा लेते हैं, तो नीचे मैंने शायद मीठे होते होंगे पता नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें प्लांट्स फूल अच्छे लगते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बड़े प्लांट्स लगाए तो टिकेंगे नहीं, ये टिक जाते हैं सारे अच्छे से, और अच्छे फूल लगते हैं इसमें, काफ़ी ऐसे लगते हैं कि गुलाब का फूल लगाए तो वाइट कलर के फूल लगेंगे इसमें। और बस मैंने सोचा फेंकने से अच्छा लगा देती हूँ, टिक जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं टिकेंगे तब भी देखेंगे बाद में फेंक देंगे कबाड़ में, एक आधा तो टिक ही जाएगा, क्यों सब टिकेंगे, सारे टिकेंगे। तो अभी शाम के बज गए हैं 5, शायद 5 से ज़्यादा टाइम हो गया होगा, है ना, कितना हो गया इसमें क्यों देख रहे, अपने फोन में ही देखना। 6 बज गए हैं और हम सुबह 10 बजे के लगे, 10 बजे तो नहीं 10:30-11 बजे से हमने लगे हुए हैं कंटिन्यूसली, हम और रुके ही नहीं हम, मतलब बस ऐसे आराम आराम से लगे रहे साफ सफाई करने, और अब जाके फारिग हुए हैं, अब जाके नहाएंगे, सबसे पहले तो चाय पियेंगे, नहाएंगे उसके बाद, सबसे पहले चाय पियेंगे, रेस्ट करेंगे और फिर नहाएंगे उसके बाद, और फिर बस पहले नहा रहे फिर चाय पीने आराम से बैठ के। चलो ठीक है पहले हम नहा लेते हैं फिर मिलते हैं आपको, नहाने के बाद मिलते हैं अब आपको। तो फ्रेंड्स नहा तो लिया है दोनों, हम फ्रेश हो गए हैं, हस्बैंड बना रहे हैं चाय, और आज हो चुका है एक और नुकसान यहाँ, जो हमने शीशा लगाया था यहाँ पे, हम इसको ना बंद कर रहे थे और ये फिर से टूट गया शीशा, तो ये बहुत बड़ा सा नुकसान हो गया है, सारे दिन इतनी मेहनत करने के बाद ये इतना बड़ा नुकसान हो गया, शीशा ही टूट गया अभी बड़ी मुश्किल से, तो हमने काफ़ी टाइम के बाद लगवाया था, पहले भी टूट गया था फिर काफ़ी टाइम के बाद अभी लगवाया था और टूट गया। मैं यहाँ से बंद कर रही थी, ये लगा रही थी इसके, और वो बाहर से हस्बैंड ने बंद पकड़ा हुआ था, और इन्होंने सोचा कि कुंडी लग गई, कुंडी लगी नहीं थी, और ये छोड़ के चले गए और ये नीचे चला गया धड़ाम करके, तो बस इसका भी हो गया काम तमाम, वो क्या करें, हो गया तो हो गया, कल नया ले आएंगे और क्या करना, अब जब टूट ही गया है तो थोड़ी देर दुख तो होता ही है, अभी हमने बड़ी मुश्किल से तो लगवाया था इतने टाइम के बाद कि चलो लगा लेते हैं, और फिर टूट गया तो क्या करें, टूट गया तो टूट गया, अब कल ले आएंगे, शीशा ही तो है यहाँ, इंसान टूट जाते हैं ये तो एक शीशा ही है, ले आएंगे कल दूसरा और लगा देंगे और क्या। फ्रेंड्स अभी हम बैठे हैं टेरिस पे, चाय लेकर आए थे, ये रहे हमारे का मौसम ना ऐसे ही है, बारिश भी होने वाली है, ये देखो कैसा है बादल, पहले हुई थी बारिश फिर रुक गई थी, फिर अब ऐसी बूंदाबांदी सी हो रही है, ये देखो इस पहाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, देखो धुंध सी पड़ी है ना, इसका मतलब यहाँ पे बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स बस अब चलते हैं नीचे की ओर, रूम की ओर, किचन की ओर, और बनाते हैं शाम के लिए खाना पीना वगैरह, काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं आज पूरा दिन काम कर करके, आजकल ना हाथ काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट से हुए थे और आज मिट्टी धूल काम करके हो गए हैं ऐसे, देखते में तो कुछ नहीं लग रहे लेकिन थोड़े से ऐसे लग रहे हैं। इसी के साथ ये रही रूबी हमारे पीछे, वो बैठी है उधर, और वो रहा आम का पेड़, इस बार आम भी बहुत कम कम से लगे हैं, अब आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं कि सामान हमने कहाँ रखा जो बाहर साइकिल्स वगैरह थी, वो मैं उधर वाले रूम में आज हम गए नहीं, अब दोबारा जब वहाँ पे साफ़ सफाई करेंगे तब हम दिखाएंगे, लॉक तो कर देंगे, हाँ लॉक करना पड़ेगा, आजकल हमारे इधर चोर भी घूम रहा है इसलिए। और बस इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा या पता नहीं, हम ज़्यादा तो शूट किया नहीं वैसे हमने कुछ भी, लेकिन फिर भी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, होप करती हूँ कि आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।